हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टडी करेंगे अ न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। लास्ट वीडियो में हमने बैरियर मेथड जो है वो किया था, अब हम स्टडी करेंगे आईयूडीज और इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। नाम से ही पता चल रहा है, विच आर प्लेस्ड इनसाइड द यूट्रस। इंट्रा यूट्रस मीन इनसाइड द यूट्रस, जो है इनको यूज किया जाता है। दीज आर वेरी इफेक्टिव एंड पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, जिनको बहुत लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है। एज देयर नेम इंडिकेट, दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड इनसाइड द यूट्रस थ्रू वेजाइना। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेस। तो ये जो है बाय द एडवाइस एंड विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर जो है ये किया जाता है इनका यूज। अब जो आईयूडीज हैं वो बहुत अलग अलग टाइप के आईयूडीज जो हैं वो अवेलेबल हैं। कौन कौन से आईयूडीज हैं वो, तो यहाँ पे हम तीन तरह के जो आईयूडीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। नॉन मेडिकेटेड मीन्स इनमें कोई भी मेडिकेशन जो है वो यूज नहीं की जाती है। दे प्रिवेंट द रीचिंग ऑफ स्पर्म टू ओविडक्ट। ये क्या करते हैं, ओविडक्ट तक नहीं पहुंचने देते हैं किसको, स्पर्म्स को। तो इसका एग्जाम्पल है लिपिस लूप। दूसरे हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। कॉपर रिलीजिंग मीन कि जो कॉपर आयन्स रिलीज करते हैं, और ये कॉपर आयन क्या करते हैं, स्पर्म्स की मोर्टिलिटी को कम करते हैं और उनकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको भी ये कम करते हैं। इसका एग्जाम्पल है कॉपर टी, कॉपर सेवन एंड मल्टी लोड 375। अब लास्ट इसमें आता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। नाम से ही आपको पता चल रहा है, विच रिलीज हार्मोन्स विच मेक यूट्रस अनस्यूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, जो कि यूट्रस को इम्प्लांटेशन से अनस्यूटेबल बना देते हैं, जिससे इम्प्लांटेशन, अगर बाई चांस फर्टिलाइजेशन भी हो जाती है तो इम्प्लांटेशन नहीं होती है। एंड लास्ट दे मेक सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म्स, मीन सर्विक्स में बहुत सारे जो स्पर्म्स है वहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20। तो ये जो आपको हमेशा एग्जाम में भी टेबुलर फॉर्म में ही पूछा जाता है, बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स देके वो आपको पूछते हैं कि किसका क्या फंक्शन है और क्या एग्जाम्पल है। अब दीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल हु वॉन्ट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ये मेथड है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है। अब इसमें आपको कॉपर टी का एक डायग्राम यहाँ पे बनाया है। तो ये इस तरह से प्लेस किया जाता है यूट्रस में। यूट्रस में जो ट्यूब फेलोपियन ट्यूब है, ये दोनों पॉइंट फेलोपियन ट्यूब की एंट्री के ऊपर आते हैं और ये यूट्रस के इनसाइड ये प्लेस्ड होता है, जिसमें ये थ्रेड प्रेजेंट है जिसकी हेल्प से इसको बाद में रिमूव भी किया जा सकता है। तो ये तो थे आईयूडी और इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस।